कोरोना के वध रहे मामले लेके एक होर वड्डी खबर आ रही है। दिल्ली की सरकार ने वड्डा फैसला लिया है, दिल्ली की सरकार ने वड्डा फैसला लिया है। तो दूजे पासे वीकेंड करफ्यू लगाउण दा फैसला लिया गया है। ये फैसले तो बाद एक बैठक ते गाइडलाइनस भी जारी की गई ने। प्राइवेट ते सरकारी दफ्तर 50% मुलाजमान ही इजाजत दी गई है। सो कोविड नूं लैके दिल्ली दे विच सख्तियां कीतियां जा रही ने। दूजे पासे जे असीं जिक्र करिए तां 50% दी समर्था नाल ही प्राइवेट अते सरकारी दफ्तर खुल सकते ने। राजधानी दिल्ली दे विच ओमिक्रोन दे मामले नूं लैके लगातार जिते सख्ती की जा रही है, DDMA की बैठक के फैसला लिया गया, नवी गाइडलाइन जारी की गई ने। प्राइवेट ते सरकारी दफ्तर 50% मुलाजमान ही आने की इजाजत है। वीकेंड करफ्यू लगाया गया है। सो वीकेंड शनिवार ते ऐतवार बाहर जाने की इजाजत दिल्ली दे विच नहीं होगी। DDMA की बैठक के फैसला लिया गया, नवी गाइडलाइनस जारी कर दी गई ने। प्राइवेट ते सरकारी दफ्तर 50% मुलाजमान ही इजाजत दी गई है। अमरीश पांडे मेरे सहयोगी इस खबर से जानकारी की सांझ देंगे। अमरीश, और क्या जानकारी इस खबर पे आपके पास? जी बिल्कुल, ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच DDMA की एक अहम बैठक आज हुई थी और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इसी हफ्ते से शनिवार और इतवार को पूरा कर्फ्यू रहेगा, जिसमें जरूरी सेवाओं को इससे बाहर रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट जितने भी दफ्तर होंगे उनको कहा गया है कि वो 50% कैपेसिटी के साथ ही ऑपरेट करेंगे। तो कुल मिला के दिल्ली में हम देख सकते हैं कि अगले हफ्ते से वर्क फ्रॉम होम वापस आ गया है, इसके साथ ही वीकेंड कर्फ्यू ये हो गया है। एक और बैठक, इस बैठक में एक और बात पर चर्चा हुई है कि अभी तक जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, तो फिलहाल येलो अलर्ट ही जारी रहेगा। और अगर ये मामले बढ़ते हैं, मामले बढ़कर 30,000 से ऊपर होते हैं, तो उसको हम एम्बर अलर्ट के लिए सोचेंगे। अगर हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता है तभी भी एम्बर अलर्ट के लिए सोचेंगे। तो कुल मिला के येलो अलर्ट जारी रहेगा दिल्ली में, नाइट कर्फ्यू पहले से ही जारी है। इसके अलावा ये वीकेंड कर्फ्यू आज इस हफ्ते के शनिवार से चालू हो जाएगा दिल्ली में, और इसका आधिकारिक आदेश अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ये जो बैठक में ये दो अहम फैसले लिए गए हैं, और आगे इस बात को लेकर सरकार ने चेताया है कि अगर ये मामले इस तरह से और बढ़ते हैं तो सख्तियां और बढ़ाई जा सकती हैं। एम्बर अलर्ट की अगर बात करते हैं तो एम्बर अलर्ट में जितने भी जो प्रतिष्ठान जिनको अभी तक 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करने की इजाजत दी गई थी उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, यानी कि होटल रेस्टोरेंट जो खुले थे अभी तक 50% कैपेसिटी से उनको भी पूरी तरीके से बंद कर देने की बात की गई है। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी कंप्लीटली शटडाउन कर दिया जाएगा अगर हम एम्बर अलर्ट की बात करते हैं। तो कुल मिला के ये जो फैसला है ये दिल्ली सरकार ने अभी लिया है इसके ये वीकेंड के कर्फ्यू का, और वीकेंड कर्फ्यू के बाद आगे की बैठक के लिए लगभग 15-16 तारीख के बीच में एक और DDMA की बैठक होगी। अगर रिव्यू उस तरह से नहीं होता है, अगर कंट्रोल नहीं होता है कोरोना के केसेस पे, तो फिर एम्बर अलर्ट पे दिल्ली सरकार सोचेगी। जी ठीक है अमरीश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।